हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो ऐसा मंदिर है जिसमें महाभारत काल के पहले से भगवान शिव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, जहां श्रद्धा और विश्वास के साथ जाने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता, जहां मिलती है हर किसी को मुंह मांगी मुरादें और सिद्ध होते हैं सभी के मनोरथ। भक्तों, हम बात कर रहे हैं नाथ नगरी के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के अलखनाथ मंदिर की। भक्तों, देश और प्रदेश की राजधानी के बीच स्थित बरेली का एक नाम नाथ नगरी भी है, क्योंकि यहाँ देवाधिदेव महादेव के कई प्राचीनतम मंदिर अवस्थित हैं। बरेली धाम में नैनीताल रोड पर किला क्षेत्र में स्थित बाबा अलखनाथ मंदिर एक ऐसा ही सिद्ध स्थल है, जहां देवाधिदेव महादेव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जो बरेली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। भक्तों, अलखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर कनक भूधराकार राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 51 फीट है। हनुमान जी की ये मूर्ति यहाँ आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क को अनायास ही श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक होने को विवश कर देती है। भक्तों, बरेली शहर के चारों कोनों पर अलखनाथ, त्रिवटीनाथ, माखीनाथ और धोतेश्वरनाथ चार नाथ मंदिर स्थित हैं, इसलिए बरेली नाथ नगरी के नाम से विख्यात है। भक्तों, बरेली के अलखनाथ मंदिर के वर्तमान महंत आनंद अखाड़ा के नागा साधु कालूगिरी महाराज जी हैं। मंदिर का संपूर्ण व्यवस्थापन व प्रबंधन इन्हीं की देखरेख में चलता है। भक्तों, क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जब मुगल सैनिक भारत के मंदिर विध्वंस कर रहे थे, तब तमाम साधु संतों और अन्य लोगों ने अलखिया बाबा की तपस्थली अलखनाथ मंदिर में शरण ली थी, लेकिन अलखिया बाबा के प्रताप के कारण इस तपोवन में मुगलिया सेना प्रवेश नहीं कर पाई थी। नाथ नगरी बरेली धाम के सप्तनाथ मंदिरों में बाबा अलखनाथ मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। नागा संप्रदाय के पंचायती अखाड़े द्वारा संचालित इस मंदिर की मान्यता सुदूर पहाड़ों तक है। भक्तों, अलखनाथ मंदिर परिसर में भगवान शिव समेत अन्य कई देवी देवता भी विराजमान हैं, जिनमें से भगवान विष्णु, गोवर्धन धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण, शिव पार्वती की विवाह मूर्ति, माता दुर्गा, पंचमुखी हनुमान जी की मनमोहक मूर्तियों के साथ साथ कई साधु संतों की समाधियां भी मंदिर परिसर में स्थापित हैं। भक्तों, अगर आप बरेली पहुंचकर अलखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।